इसमें हंसने की क्या बात है? ये सोच रहा हूँ कि मेरा सामान चोरी तो नहीं हो जाएगा जब तुम मुझे ये जहरीला इंजेक्शन दोगी। जहरीला नहीं है, ये बस काम के समय किसी भी दर्द से बचने के लिए है। जंक? मॉर्फिन? वैसा कुछ नहीं। बढ़िया, मुझे जंकीज पसंद नहीं है। मैं अपना आखिरी वक्त ऐसे नहीं बनना चाहता। तुम बनोगे भी नहीं। तो फिर उस सुई में क्या है? माफ करना। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एनर्जीज हैं, एक पेन किलर। एक्सपेरिमेंटल? तुम्हें इसका असर दिखने लगा है, कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, जैसे मैं हमेशा रहता हूँ। इस दवा को लेने के बाद तुम्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस ही नहीं होगा। जरूर किसी बेवकूफ ने बेकार सी दवा बनाई है। बेकार का? ये पहली ऐसी दवा है जो कैंसर मरीजों को राहत देगी। क्या तुम्हें दर्द से डर नहीं लगता? मुझे दर्द की आदत हो गई है, मैं काफी वक्त रंबल्स में गुजार चुका हूँ। इसे असर करने में कितना टाइम लगेगा? बस कुछ ही मिनट। हम तैयार हैं, तुम इस खास दिन के लिए तैयार हो? तुम उन कर्जदारों को निराश नहीं करना चाहोगे जिन्होंने तुम्हें कुछ और देर जीने की थोड़ी मोहलत दी? डेथ वारंट। जैसे कि जेकब वॉकर हत्या का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा मिली, अब मैं चार्ल्स बेमोंट इस जेल का वार्डन होने के नाते ये डेथ वारंट इश्यू करता हूं, सीधे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। 31 मई 2017 को 12:01 पर वॉकर के जीवन का अंत होगा इसके खून के जुर्म के लिए। कुछ कहना चाहोगे? मुझे अपने भाई से मिलना है, वो सेल ब्लॉक D1 में है। नहीं, कोई आखिरी इच्छा? मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम क्या हुआ है? 12:01 सर। चलो शुरू करो। ऐश, क्या तुमने वो देखा? ओ हाँ, वॉकर मर रहा है रिपर। रुको, वॉकर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। ना मुमकिन। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? थोड़ा सा कुछ दर्द महसूस हुआ। उसे थोड़ा और दो। रुको, वॉकर, वॉकर, ये कैसा मजाक है? मुझे लगा तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। तुमने उसे क्या किया? उसे 30 सेकंड तक ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज दो। सर, ये ज्यादा हो जाएगा, उसकी बॉडी गल जाएगी। टेस्ट पूरा हुआ। डू इट ली। वो टोस्ट बन चुका है। ये सब बंद करो चार्ल्स। अभी नहीं, वो तकलीफ में है। थोड़ी देर के लिए और। क्या हो रहा है? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। क्या मैं जल रहा हूँ? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। अब बस भी करो चार्ल्स। मैंने ऐसा पहले भी देखा है। गॉड हमारे साथ ही है और ये देखकर उन्हें भी खुशी ही होगी। मुझे लगता है इतना काफी है। ब्रावो वॉकर, बहुत अच्छा।
ये सब क्या हो रहा है? मुझे इसके वाइटल्स चेक करने होंगे। कोई नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था। जहां तक तुम्हारी बात है, ये मर चुका है, यहां तक कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ली, उसका डेथ सर्टिफिकेट भरो और स्टेट को पैगाम दे दो कि वॉकर नहीं रहा। यस सर, लेकिन मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे इन्फर्मरी ले जाओ, वहां वो शांति से मर सकेगा। क्या पता वो कब तक ऐसे ही रहे, अब कितनी देर तक। जानवरों पर हमारे पिछले टेस्ट के अनुसार दवा 24 घंटों में काम शुरू कर देती है। आखिरी बार जब मैंने चेक किया, वॉकर कोई जानवर तो नहीं था। एनिमल टेस्टिंग में इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमने यहाँ इतिहास बनते देखा है। कई देशों की सरकारें इस दवा की इंतजार में हैं। ये सरहद की लड़ाई का रुख मोड़ सकती है, बल्कि एक नया विश्व स्थापित कर सकती है। और देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे ग्लोबल डोमिनेशन का सपना तोड़ना बुरा लग रहा है, लेकिन कैंसर का क्या? उसका क्या? इलाज। हाँ, क्यों नहीं। हमारे फार्मेसी के इन्वेस्टर्स हर रोज मुझे ये याद दिलाते हैं। तभी तो मुझे बहुत से टेस्ट करने होते हैं, लेकिन लगता है उसके सेल्स पेन किलर सीरम से तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। जो उसके शरीर को सुन रखकर इलेक्ट्रोक्यूशन से उसे होश में रखते हैं। वैसे आपने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है डॉक्टर वेस्ट, मुझे पसंद आया। नहीं, मैंने नहीं किया। सच कहा, हम सब ने किया। एक्चुअली हमने भी नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। गिनती करो सब कैदियों की। क्या वो पागलपन नहीं था? भयानक सजारे पर मेरी पसंदीदा। सीधे दिल पर गोली। मैं ऐसी सजा चाहता हूं, पर कुर्सी पर मरना, बेचारा वॉकर। ओ प्लीज, वो एक खूनी था। हम सबकी तरह, क्या वो अपने भाई को नहीं बचा रहा था? वाह, हो सकता है उसे उसे मेडल की जगह मौत मिली। कभी कभी तुम मुझे डरा देते हो। एक लाइन में खड़े रहो सब, एक लाइन में। वॉकर कैसे करता था? वो बहामास में क्यों सर्व करता था? क्यों? बताओ तुम्हें क्या लगता है? वो अब मुर्दा बन चुका है। गोली दिल में या कुर्सी में, बॉडी इसका अंतर नहीं समझ सकती। मौत मतलब मौत। तू अपनी सोच, मैं तो यहां से निकलूंगा। ओ प्लीज, तुम ये कई महीनों से कह रहे हो। बस भी करो, सच का सामना करो। उस कुर्सी पर जाने की अब तुम्हारी बारी है। मेरा काम और मेरा प्यार मुझे बुला रहा है। सपने देखना बंद करो रिपर, ओके? मैं तुम्हें अब अगले जन्म में मिलता हूँ। मुझसे ज्यादा तुझे जरूरत है। ठीक है, सीधे लाइन में खड़े रहो सब, सीधे लाइन में। हटो, आगे बढ़ो। मुझे यकीन है तुमने ऐसी दवा पहले कभी नहीं देखी होगी। मुझे तुम पर यकीन तो नहीं है। इसके बजाय अगर तुम हमारा कर्ज कैसे चुकाओगे?
इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे तो बेहतर होगा। मेरे पास एक इलाज है। हम मजाक कर रहे थे। ऐसा नहीं है। हमें और बताओ। आप लोग खुद देख लो, कल आ जाओ, आप सब खुश हो जाओगे। क्या सच में इतनी जल्दी? तुम्हें पता है हम अपना समय बर्बाद नहीं करते। और मैं भी तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। ओके। उसकी तैयारी शुरू करो। ये क्या कर रहे हो तुम? इंसानी सभ्यता को बदलने की तैयारी। अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके किसी मेडिकल एक्सीडेंट के लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। ओह, मुझे कुछ याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। टाउनशिप कैंसर क्लिनिक से एक डॉक्टर ने तुम्हारे लिए फोन किया था, तुम नहीं थी तो इसलिए मैंने तुम्हारा एक मैसेज ले लिया। ये 2 दिन पहले आया था। सच में? किसी ने मुझे बस आज ही दिया। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो ज्यादा नहीं जी पाएंगी। मुझे ये सुन के दुख हुआ। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। I'm sorry, पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। पर क्यों? मुझे छुट्टी लिए महीनों हो गए हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं इमरजेंसी में बाहर जा सकती हूँ, और इस समय मेरी मॉम को मेरी जरूरत है। हमें भी तुम्हारी जरूरत है हेलेन। तुमने अब तक की सबसे महान खोज की और अब तुम जाना चाहती हो? हमारे इन्वेस्टर्स कल तुम्हें यहाँ चाहते हैं। तुम में लाखों जिंदगियों की सुरक्षा की काबिलियत है, लाखों। पर कोई एक मेरे लिए जरूरी है। ओ, एक और बात, जो सिरम तुमने वॉकर को दिया था उसके लिए एक और मरीज चाहिए होगा। ध्यान रहे हमारे पास मरीज हो। और मुझे छोड़ने की तो सोचना भी मत। अजीब है। तुम किस बात से परेशान हो? मैंने अभी वॉकर को देखा। माफ करना, क्या कहा तुमने? वॉकर को देखा? हाँ। क्या तुमने उसे दफना दिया? क्योंकि यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। मैंने उन लोगों को वॉकर को ले जाते हुए देखा। उन लोगों ने वॉकर का चेहरा कपड़े से ढक रखा था। क्या कपड़ा? क्या बोल रहे हो यार? वो कोई भी हो सकता था रिप। मुझे पता है, ये वही था। मैंने उसके टैटूज देखे थे। तुम प्लीज चुप रहो। फर्स्टली ए, मुझे लगता है कि तुम भ्रम में हो। ओके। बी, तुम कहते हो कि तुमने भूत देख लिया। सी, तुम पागल हो गए हो। और डी, तुम सठिया गए हो। तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता हूं, मैंने उसे ही देखा। शायद से डी। सुनो रिप, सुनो, मैं यहां बहुत लंबे समय से हूं और मैंने सच्चाई देखी है, समझे? इंसानों की लैब से लेकर साजिशों तक सब कुछ की इस जेल का मैप पर कोई वजूद ही नहीं, समझे? और तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि क्या और किस पर यकीन किया जाए। अपना दिमाग मत लड़ाओ, अच्छा करने की सोचो। किसी दिन तुम जिंदा या मुर्दा इस जेल से बाहर होगे, समझे? तू क्या बकवास कर रहा है? मैं बस बता रहा हूं। हम सब कैदी हैं और एक दिन हम भी मारे जाएंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम यहां से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? तुमने भी कई बार मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? बस यही कहना था। सच में यश, क्या तू यहां से निकलने के लिए तैयार है? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। भाड़ में गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो इसे। सही किया, यही करना चाहिए था। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? मैंने अभी तुम्हें 8 टांके लगाए हैं। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर है। मैं यहां 20 सालों से हूं और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर हूं। हाँ, वैसे डॉक्टर, कल का टेस्ट कैसा रहा? वॉकर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। सुनकर बुरा लगा।
तो क्या उसकी बॉडी अभी भी यहीं रखी है? नहीं, हमने नहीं रखी है। ठीक है, अब चलने का समय है, काफी सवाल हो गए। वैसे डॉक्टर, नाइस टू मीट यू, मैं एक लकी मैन हूं। थैंक्स, उसे कहो जिसने तुम्हारे साथ ये किया। तुम्हारे पास एक मिनट से भी कम का समय है, जल्दी करो। तुम मुझे बहुत याद आते हो, मेरी आंखों में देखो। कोई दिक्कत? थोड़ा नेगोशिएशन, कोई नई बात नहीं है। चलो, तुम्हारा समय खत्म, फोन रखो, चलो उठो। मैंने पहले तुम्हें एक मिनट एक्स्ट्रा दिया। डॉक्टर वेस्ट, क्या आप आज ही जा रही हैं? मैं करीब एक घंटे में वापस आ जाऊंगी, सल्फेट कंपाउंड लेने जा रही हूं। ओके, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट, गुड आफ्टरनून। क्या आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मुझे लैब के लिए थोड़ा सल्फेट कंपाउंड चाहिए। क्या वो इसे आपके लिए नहीं मंगाते? ये ऑर्डर थोड़ा अर्जेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ये अभी चाहिए। थैंक यू, लेकिन मुझे ये खुद करना होगा। क्यों नहीं डॉक्टर, क्या मैं आपका आई कार्ड देख सकता हूँ? हैव अ ग्रेट डे।
डॉक्टर वेस्ट क्लियर हैं, मैं गेट खोल रहा हूँ, ओवर। डॉक्टर वेस्ट अब अपना जैकेट भूल गई हैं, बाहर थोड़ी ठंड होगी। ओके मुझे दुख है कि मुझे ये करना पड़ रहा है डॉक्टर वेस्ट। ये सब बहुत गलत हो रहा है ली। मैं इतना रह चुका हूं यहां कि सही और गलत जैसी कोई चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। मौत तो जिंदगी का ही हिस्सा है ना ली। मेरी मदद करो इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे ये सीरम अपनी मॉम तक पहुंचाना होगा। काश मैं ऐसा कर सकता। मैं ये तुम्हें करने को नहीं कह रही, मुझे बस इसे उनके डॉक्टर को देना है। वो जानते हैं इसका क्या करना है, ये बस उन तक पहुंच जाए। माफ करना हेलेन, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो तुम्हें अगला वार्डन कभी नहीं बनाएंगे। ऐसा हुआ तो तुम भी कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाओगी हेलेन। ली, ली। तुम ठीक हो? नहीं, मैंने सब सुना। तुम्हारी मां के बारे में जानकर दुख हुआ। जो दवाई तुमने मुझे दी थी वो नहीं भी देना, ये सीरम काम कर रहा है। मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं ये सब मुश्किलें तुम पर नहीं डालना चाहती। मैंने ये दवा लोगों को टॉर्चर करने के लिए नहीं बनाई है, पर अब ये सब काबू से बाहर हो गया है। कुछ तो अच्छा होना चाहिए, मुझ पर ये काम किया। पर तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। I'm sorry. क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें दुख है? तुम पर और टेस्ट होने चाहिए, हम अभी भी नहीं जानते ये कैसे काम करता है। टेस्ट के लिए रुकना होगा, पहले मुझे अपने भाई को ढूंढना है। और तुम ये कैसे करोगे? जेंटलमैन, हमारे सामने एक दवा है जो दुनिया और उसके इतिहास को बदल देगी। इमेजिन करो उस दुनिया की जिसमें कोई मरता नहीं हो। इमेजिन करो उस दुनिया की जहां कोई बीमार ना हो, अगर उसके पास पैसा है। और जेंटलमैन, हमने ऐसी दवा खोज निकाली, ये सच है। एक प्रोडक्ट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सस्ती है, इजी टू यूज, बिना किसी नुकसान की है, जो पहले से प्रूवन और टेस्टेड भी है। दुनिया का हर हॉस्पिटल ये दवाई हमसे मांगेगा। हर सेलिब्रिटी और अमीर आदमी तुम्हारा दोस्त होगा। हमारी दवा दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा होगी। हम इसे नंबर वन मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी बना देंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि इसकी कीमत क्या होगी? अच्छा सवाल है। दवा को बाजार में लाना सस्ता पड़ेगा, लेकिन कीमत, क्या इंसान अमर हो जाएंगे? तो अपना स्विस बैंक अकाउंट खाली करने को तैयार हो जाओ। मुझे पता है लाखों का नहीं है, करोड़ों का फायदा है। ओ नहीं, या फिर अरबों का। Yes. डॉक्टर वेस्ट का क्या करना है सर? प्लीज अंदर आ जाओ ली। क्या आप बिजी हैं? हाँ, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, ये क्या बात हुई? जैसा कि आपने कहा था सर, हेलेन अपने सेल में ही है। गुड। सर मैं सोच रहा था कि उसे कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास जाने दे सकते हैं। ये कैसा सवाल है?
उसकी मां वैसे भी मर रही है, उसको ब्रेन कैंसर है, वो वैसे भी बस कुछ पलों की मेहमान है। तो मैं ना समझू ली, तुम्हें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचो जो सह रहे हैं या सहेंगे, और हमारे पास उनको रोकने की ताकत है, और तुम रोकना चाहते हो। लेकिन मैंने सोचा, मैंने भी, मैं उन लोगों के लिए दुखी हूं जो मदद नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर वेस्ट और फॉर्मूला का कुछ हो जाए, हर दिन वो जो अपनी रिसर्च बढ़ा रही है, तो और ज्यादा लोग मर रहे हैं। अब ये जगह साफ करो, क्योंकि कल कुछ खास लोग आ रहे हैं। इसलिए सब लोगों को नीचे बंद करके रखना। यस, मुझे किसी भी गलती का कोई मौका नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, वॉकर कहाँ है? वो एकांत कारावास में है सर। उसे वहीं छोड़ो, कोई भी दूसरा कैदी उसे ना देखे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कल मैं हेलेन को खुद बाहर निकालूंगा। और कुछ नहीं, मैं बस इस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता हूँ। गुड, तुम जा सकते हो, मैं बिजी हूँ। हाँ, तुम्हें कहा था। मुझे दुख है, मैं उसकी मदद के लिए वहां नहीं था। उस आदमी के लिए ऐसे फैसले लेना आम बात है, पर मुझे उस पर नजर रखना चाहिए था। फिर भी अपने परिवार के लिए उसने गैंग छोड़ दिया। मुझे उसका आदर्श बनना चाहिए था। वो सिर्फ 21 साल का है, वो एक मुजरिम है और वो जेल में है। उसने ऐसा क्यों किया? आत्मरक्षा के लिए, या तो वो मरता या दूसरा। मैंने ये सब रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये सब मेरे कारण हुआ। क्या उसके बाद तुम उससे मिले? एक साल पहले जब उन्होंने उसको पकड़ा था। अब वो कहाँ है? आखिरी बार मैंने सुना कि वो सेल ब्लॉक D1 में था। मुझे उसका नाम बताओ, जब मैं बाहर जाऊंगी तब तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगी। वो लोग उसे कैस्पर बुलाते हैं। कैस्पर? ये उसका गैंग वाला नाम है। शुक्रिया डॉक्टर। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं वो भाई बन नहीं सका जिसकी उसे जरूरत थी। मैं उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका। मैं उसे हौसला रखने को कहना चाहता हूं। मुझे हमेशा से उस पर गर्व था। मैं चाहता हूं कि वो सेफ रहे, कोई गलती ना करे, जिससे यहां से निकलकर हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। डॉक्टर, मानना पड़ेगा ये दिल को छूने वाली कहानी है। तुम चाहते क्या हो? यह साबित हो गया है कि तुम्हारा ज्यादा जीना मेरे लिए खतरा है। तुम देख सकते हो मेरे पास सुरक्षा है, और ये जेल एक बैंक की तरह है, और तुम इसके कैश हो। मैं इसे एक बिजनेस की तरह देखता हूं। स्टेट ने मुझे बहुत ही घटिया लोग दिए हैं, जिन्हें मुझे पालना है जब तक कि उनके मरने का वक्त ना आ जाए। लेकिन मैंने सोचा ये टैक्सपेयर के पैसे की बर्बादी है। लेकिन मैंने फायदा लेने का तरीका ढूंढ लिया। दुआ करो कि तुम मुझे जेल से बाहर कभी ना मिलो। क्या वॉकर, तुम यहां सड़ जाओगे। वैसे भी अब तुम दुनिया की नजरों में मर चुके हो। तुम्हें मुझ पर टेस्ट करने की कीमत चुकानी होगी। ओह नहीं, मुझे इसकी कीमत मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा। दोबारा कभी मत मिलना। हेलेन, तुमने मुझे निराश किया। मुझे लगा हम अपने मसले सुलझा सकते हैं। तुमने मुझे पागल समझा है। वैसे मुझे ये पता है, कम से कम मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं, पर अब तुम एक आफत बन गई हो।
आज की रात ही वो रात है ऐश। पक्का हूँ मत यार, मैं हर रोज यही सुनता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि विश्वास मत करना अगर कोई ये कहे कि आज की रात ही वो रात है। ऐसा लगता है कि तुम बेकसूर हो। मैंने कभी नहीं कहा मैं बेकसूर हूँ। वैसे मैं बेकसूर हूँ। तो फिर आज की रात ही वो रात किस लिए? तुम तैयार है ना? जैसे बदला लेने तुम फिर से मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। नहीं, तुम्हें पता है ऐश, मैं इस जेल में सबसे कम हिंसक हूँ। मेरा मतलब अपने आसपास देखो, कातिल, बलात्कारी, सीरियल किलर्स और गैंगस्टर्स। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो गलत सौदे की वजह से फंस गया। मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हुआ है। तुम जेल में हो दोस्त। ये क्या? ये देखो एक और। अरे दोस्त को मारा तूने? सब एक से बढ़कर एक है। ये ले। तेरी तो। ये ले। मुझे देख, मुझसे कौन उलझना चाहेगा? अच्छा, वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या था? रुक जाओ वहां पर। कोई मुझे बताएगा कि यहां पर क्या हो रहा है? तुम सब के सब पागल हो गए हो क्या? वार्डन के चमचे। ये किसने कहा? चेहरा ऊपर करो। होने वाले वार्डन, क्या किसी और को भी यही लगता है कि ये मजाक है? हीरो बनना है सबको? हाँ, बेवकूफ लोग। मैं तुम में से किसी को भी गायब कर सकता हूं। मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूं। मेरा दिमाग जरा भी खराब मत करो। अब सब लोग उठो और चुपचाप अपने पिंजरे में चले जाओ, बिना किसी को तंग किए, समझे? चलो, और कल सुबह का नाश्ता भूल जाओ। चलो चलो ऐश। ये क्या बेहूदगी थी? चुपचाप चलो। नाश्ता? जाओ, वो दिन का सबसे अच्छा खाना होता है। और तुम अब चलो, निकलो यहां से। ऐश, क्या तू मुझे सुन सकता है? ऐश, अभी सो गया क्या? नहीं, मैं जाग रहा हूं। तो क्या तू तैयार है? किस चीज के लिए यार? आजादी के लिए। अब ये मत कहना तुमने अपनी गर्लफ्रेंड और खूबसूरत अतीत का सपना देखकर फिर से बिस्तर गीला कर दिया। बिल्कुल नहीं गधे, मुझे तेरी इसमें जरूरत है। किस लिए? तुझे इमरजेंसी हॉल से ब्लॉक सी का रास्ता पता है ना? हाँ हाँ, मुझे जगह अच्छे से पता है। तो तैयार हो जा, 3 बज चुके हैं। देखो, तुमने बाहर ड्रग्स की दुनिया में खुद को भले ही बर्बाद किया होगा, पर यहां चीजें अलग है दोस्त। ओह तेरी, ये तुमने कैसे किया? मेरे सुनहरे दिन आ गए। ओह नो, वो कौन है? हमारा सेवियर। जल्दी जल्दी निकलो तुम लोग, चलो जल्दी करो। देखो, इन्फर्मरी रूम में हर वो सामान है जो तुम्हें चाहिए, जाओ लेकर आओ उसे। वॉकर कहाँ है? कौन? मुझे माफ करना दी, वो दिन भर बेहोशी के नशे में था। देखो ये जरूरी है, तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। सुबह 5 बजे दूसरी क्रू आ जाएगी, उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा वॉकर कहाँ है? मैंने बताया था। और मैंने तुझे बताया?
सुनो मेरी बात, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है, वॉकर जिंदा है, इसको नीचे उतारो। अरे यार मुझे अभी मेक्सिको जाना है अभी, और यहाँ से बाहर निकलना है, टकीला शॉट्स मारना है, ठीक है? सो कम ऑन। वो अंधेरी काल कोठरी में बंद है, उसकी चाबी छोड़ो प्लीज। तुझे तेरे 200 मिले? 150। तू झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो बाकी के 50 कहाँ गए? अगर तूने झूठ बोला तो मैं वापस आऊंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुबह हो गई है ना? चौकन्ना रहना, ध्यान से चल। हम वॉकर को देखने क्यों जा रहे हैं? वो भी हमारे साथ चलेगा। क्या उसे छुड़ाएंगे? मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं भी, पर उसके पास कुछ है जो मुझे चाहिए। तुम्हें उसे क्या चाहिए? वो बेकार आदमी है, हमें भागने में मुश्किल हो सकती है। रुको रीप, मुझे थोड़ी सांस ले लेने दो। सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा प्लान किया था? बिल्कुल जैसा आप चाहते थे सर। बहुत अच्छे। रिपर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। पर तुम कैसे करोगे? तुम्हें चाबी कैसे मिली? आह नहीं, यह एक जाल है, मुझे उस पर भरोसा नहीं। मैंने तुम्हें बोला था रे, यह हमारे साथ नहीं आएगा। चुप कर आश। मैं तुम्हें इसलिए छुड़ाने आया हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे देखकर लग रहा है कि मैं पैसे वाला हूं। पैसे की बात कौन कर रहा है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस पूरे जेल को खरीद सकता हूं। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम मरे नहीं। देखो, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। वॉकर, मैं कैस्पर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने उसे देखा है? कुछ हफ्तों पहले। कैसा है वो? अच्छा लग रहा था। क्या हम यहां से बाहर निकलेंगे या बच्चों वाला कोई खेल खेला जाएगा जो हम 8वीं क्लास में खेलते थे? मैं उन पर दोबारा भरोसा नहीं करूंगा, पर अभी यहां से बाहर निकलो यार। सिर्फ एक शर्त पर। ऐश हमारे साथ चलेगा, केवल इसे ही यहाँ के रास्ते पता है, बस इसीलिए हमारे साथ है। मुझे लगा तुम सच में मुझे पसंद करते हो। मेरा भाई सेल ब्लॉक D1 में बंद है, तुम्हें उस जगह तक पहुँचने का रास्ता पता है? हाँ, बट वो काफी दूर है। क्या तू कर सकता है? Well, हमारे साथ एक और भी है। आराम से, संभल के संभल के यार, इसे क्यों साथ में ले लिया? ये सही कह रहा है ऐश, केवल यही है जो हमें सही डोज दे सकती है। मैं तुम्हें कोई डोज नहीं दूंगी। आराम से। मैं देख रहा हूं कि इस मुश्किल समय में तुम एक दूसरे की परवाह करने लगे हो। पीछे 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 चल, अभी चल चल, चल। आजा आजा, आराम से, चुप चुप, जल्दी करो। यहां किसी भी चीज को मत छुओ प्लीज। ये कौन सी जगह है? वही जगह है जहां जादू होगा। मुझे अजीब सा लग रहा है। साइड इफेक्ट्स। किस तरह के? शायद तुम्हारे सेल्स जल्दी से जनरेट नहीं हो रहे। मैं दूसरे नंबर पर आऊंगा। मैं तीसरे पर, ये जो भी है मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें हमारे साथ खेलने की इजाजत किसने दी डॉक्टर? मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा गलत नहीं है, पर मुझे वो सीरम चाहिए। मुझे वो इसलिए चाहिए क्योंकि जब मैं यहाँ से निकलूं तो मुझ पर गोलियों का असर ना हो। अमर होना चाहते हो दोस्त? वॉकर, इस दवा से दूर रहना। उसे और सीरम दो डॉक्टर,
मुझे नहीं मालूम सेकेंड डोज में कितना देना है। आखिर ये किसी की जिंदगी का सवाल है। कैसा लग रहा है तुम्हें? ओ प्लीज अपना ये नाटक बंद करो और उसे सिरम दे दो, ओके? और हमें भी दे दो प्लीज। डॉक्टर मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा जल्दी करोगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये काम नहीं कर रहा है, मेरे साइज के हिसाब से मुझे और चाहिए। ये काम करेगा, दो मिनट दो, इसे तुम्हारी बॉडी में फैलने दो। मैंने कहा ये काम नहीं कर रहा है, मुझे और चाहिए। मुझे हल्का सा असर हो रहा है, मेरा मतलब मुझे पता नहीं ये है क्या। ये हमें कुछ और भी दे सकती थी, हमें अंतर नहीं मालूम। मुझे एक और चाहिए। अगर तुमने ओवरडोज लिया तो तुम मर सकते हो। मुझे एक और चाहिए। तुम्हारे लिए ये काफी। मैंने कहा मुझे और चाहिए। छोड़ दो उसे। शांत हो जा वरना अपनी जान से जाएगा, समझा? ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। मुझे छोड़, काले गेंडे। मुझे सुन सकती हो क्या? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं महसूस कर सकता हूँ। तो महसूस कर सकता है? मुझे नहीं पता क्या महसूस करना चाहिए, पर अगर इसे लेके सुपरमैन जैसी फील आती है तो मुझे बिल्कुल सुपर नहीं फील हो रहा है, बल्कि मुझे बाथरूम जाना है। हिलना मत। क्या हुआ? तुझे जो बोलना है बोल, लेकिन हिलना मत, हिलना मत, समझा? ओके, पर है क्या, क्या ये मकड़ी है? मुझे मकड़ियों से सख्त नफरत है। अरे यार क्या कर रहे हो? तुझे दर्द हुआ? नहीं, पर खून निकल रहा है। पर महसूस नहीं हुआ? नहीं, वापस करो। मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। मेरी बारी। नहीं, मैंने कहा मुझे मार, मुझे भी महसूस करना है। यही तो बात है कि तुम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। तो फिर मुझे मार। ये लो। मैंने कहा था मुझे मार, लेकिन तूने तो मुझे चीर दिया। इस धरती पर तू सबसे बड़ा गधा है। मुझे माफ कर दो, ओके? कमाल है, ये काम कर रहा है। मैं जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बस टेम्पररी है, कुछ समय में इसका असर खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। तुम ये बताओ बाकी की दवा कहाँ है? पास के फ्रिज के अंदर। नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे। चल आश, दरवाजा बंद कर दे। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैंने एक हिडन बैच बनाया था, शायद ये काम कर जाए। ये क्या? मुझे नहीं मालूम। यहाँ, यहाँ इस तरफ। मैं तो इसे जानता हूं, यहां चल क्या रहा है? ये कुछ हफ्ते पहले मारा गया था, है ना? उन्होंने साइन किए हुए एफिडेविट के साथ इसका शरीर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया है। ये अभी भी जिंदा है, और तुम कुछ क्यों नहीं कर रही? उसे AB10 इंजेक्शन दे दिया गया है। हमने उसके खून को कैंसर सेल से इन्फेक्ट किया है। हम देखना चाहते हैं कि क्या सीरम काम कर पाएगा। क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? नहीं, तुम्हारा सीरम मॉर्फिन के एक वर्जन पर बेस्ड था जिसे हमने जेनेटिकली एनहांस्ड किया था। और इसका क्या? रुक जाओ। और इसका? ये तो मेरा भाई है। मुझे नहीं पता था, I'm sorry। ये मेरा भाई है जिस पे तुमने एक्सपेरिमेंट किया? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता होता, मुझे इनके नाम नहीं बताए जाते। मुझे ये सब करना पड़ता है ताकि कई और जिंदगियां बचा सकूं। उस
उसके पास 5 साल बचे थे जब तक वो आजाद होता, और तुम कह रही हो कि उसने त्याग पत्र साइन किया? वॉकर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 21 साल का था, और तुम मुझे बोल रही हो कि उसने अपनी जिंदगी एक गिनी पिग बनने के लिए दान कर दी? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वॉकर मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हें क्या नहीं पता था? क्या तुमने उससे बात तक की थी? मैं नहीं कर पाई। उन्होंने सबको शांत रखने के लिए बेहोश कर दिया था, इसलिए। मैंने इस रिसर्च के लिए हाँ कहा क्योंकि मैं अपनी मॉम की जिंदगी बचाना चाहती थी। मैं जानती हूँ किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। I'm so sorry. Walker. मैं बोमोंट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? यहाँ कुछ हुआ क्या? चलो यहाँ से। वॉकर, वॉकर प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। हम जा रहे हैं, तुम पीछे मत आना। चुप रहो, जल्दी करो, यहाँ से निकलो। तुम लोगों का हो गया? मेरा वर्कआउट तुम लोगों को देखकर ही हो गया। सेल ब्लॉक D1 तक पहुंचने का रास्ता बहुत कम है। प्लान बदल चुका है, अब हम वार्डन के ऑफिस में जाएंगे। मुझे लगा सबसे पहले हम तुम्हारे भाई को छुड़वाएंगे। नहीं नहीं, तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हारा दिमाग तो पढ़ूंगा नहीं मैं। क्या हम मौत के मुंह में जा रहे हैं? हमें यहाँ से निकलना है जितनी जल्दी हो सके, वो भी अभी। बोमोन से बदला लेने के बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। हमें उसके सिक्योरिटी पासेस और चाबियां चाहिए होंगे। हम गलत कर रहे हैं रिप। कम ऑन रिप। हे, रुक जाओ वहीं। रुको यार, जल्दी करो। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये लड़की बाहर तुम्हारा इंतजार करेगी? अपना मुंह बंद कर। वहाँ नीचे आखिर चल क्या रहा है? हे सुनो, नीचे और आदमी भेजो जल्दी, नहीं अभी इसी वक्त। ओह नो, बाई तरफ, बाई तरफ। ऐश, जाओ रिप, तुम लोग मेरे बगैर ही जाओ। उठ, तुमने सिरम लिया हुआ है, उठ। मैं नहीं उठ पा रहा। वॉकर, इसको लेके जाओ यहां से। चलो रिप। अब ऐश का क्या होगा? उसने 20 साल खुद को यहां संभाला है, वो संभाल लेगा। तुम्हें क्या लगा तुम कैमरे से भी बच जाओगे? मैं तुम पे तब से नजर रख रहा हूं जब से तुम सेल से निकले हो। तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मैं देखना चाहता था तुम लोग कहां जाओगे। शिकार को जब थोड़ी सी उम्मीद होती है कि वो बच जाएगा, तब उसे पकड़ने का अलग मजा है। तुम ये नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ जाता? मैं तब भी तुम्हारे सामने यूं बंधे हाथों के साथ पड़ा रहता। अब
चलो कुछ डील की बात करते हैं। तुमने कहा था तुम मेरी सजा घटा के 5 साल कर दोगे। मुझे ये लिखित में चाहिए। मैं अपनी फाइल्स देखना चाहता हूं। तुम्हारी फाइल? हाँ, तुम्हारे सारे काम किए मैंने साल भर तक, और तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने सब किया। हाँ, तुम सही हो, तुम्हें फाइल मिलनी चाहिए। थैंक यू। थोड़ा सब्र रखो, कुछ जरूरी चीजें और लिखनी है उसमें। 24 घंटे पहले तूने मेरी आखिरी इच्छा पूछी थी ना? वॉकर, ऐसा कुछ मत करना जिससे पछताना पड़े। तुम लोगों को इतनी देर क्यों लग गई? Shut up, Ash! तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? मेरा भाई, वो एक बच्चा था। वो खूनी है, जैसे कि तुम और तुम। यहाँ रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई और उसका साथी कैदी करता। कम से कम मैंने उसे फायदेमंद बना दिया। तुम होते कौन हो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? अपनी चारों ओर देखो, इस जगह पर मेरी हुकूमत है। मैं सबकी जिंदगियां तय करता हूँ। मैं फैसला करता हूँ कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तूने मेरे भाई के साथ किया है। अब तुम हर उस कैदी का दर्द महसूस करोगे जो दर्द तुमने उन सबको दिया। रुको, रुको। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो डॉक्टर जो अभी मेरे कब्जे में है, ये जनता उसका क्या हश्र करेगी? तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे बताओ कहाँ है वो? ली ने उसे एक सेफ जगह पहुंचा दिया। मैंने पूछा कहाँ है वो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सब कुछ बता देता। दूसरी मंजिल पर, मेरे प्राइवेट चेंबर में। देखा, इतना मुश्किल नहीं था तुमसे गलवाना। जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, इसे मैं देखता हूं। और तुम मेरे साथ चलोगे चूहे? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, भरोसा रखो। चलो। कहाँ? तुम मुझे डॉक्टर वेस्ट तक ले जाओगे। रिप, तुम साथ नहीं चल रहे? नहीं, अभी वार्डन के साथ मुझे अपने कुछ पुराने हिसाब किताब पूरे करने हैं। मैं तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। तुझे याद है जब मैं पहली बार आया था, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि डॉन से मिलने भी नहीं दिया। मैं बस अपना काम कर रहा था। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? तूने मेरी आजादी के बदले मेरा फायदा उठाना चाहा, ये बात मुझे पता है। तुझे मेरा पैसा और डॉन चाहिए है ना? देखो वो बस मजाक था। तुम जानते हो तुम लोग अकेले बंद हो तो लड़कियों की बात पर हम मजे लेते हैं। मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश नहीं की। तू मुझे 2 चीजों का जवाब दे। ठीक है, पर मुझे मारना मत। तुझे नहीं मारूंगा। तुझे यहाँ का इमरजेंसी एग्जिट पता है? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूछा कहाँ है वो? दूसरी सीढ़ियों से पहले हॉल की तरफ से नीचे जाना है, उसके लिए तुम्हें ये चाबियां लगेंगी। अगर तूने झूठ कहा तो मैं वापस आऊंगा। मैं वार्डन नहीं होता अगर मैं इमरजेंसी एग्जिट की रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक और बात। क्यों? मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। मैं इतना भी शरीफ मुजरिम नहीं हूँ कि तुझ जैसे को दिया हुआ अपना वादा पूरा करूँ, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, इस तरफ। हेलेन, क्या तुम यहाँ हो? I'm so sorry, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। नहीं, आई एम सॉरी। ये तो मेरी गलती थी कि मैंने इन सब के लिए तुम्हें दोषी समझा। हमें यहां से चलना चाहिए। ऐश, गद्दार, चलो चलते हैं। Thank you.
हमने डील की थी। पता है मुझे। तो फिर ये क्या है? मुझे ये पक्का करना है कि अगर तुम पकड़े गए बॉर्डर के पास तो तुम गलती से भी मेरा नाम नहीं लोगे। मैं पकड़ा बिल्कुल नहीं जाऊंगा और भरोसा रख, तू मुझे दोबारा नहीं देखेगा। फिर भी तूने बंदूक क्यों तान रखी है? आदत है शायद। तुमने अपने हाथ खड़े क्यों कर रखे? तुम्हें पता ये गोलियां तुम्हें मार नहीं सकती। आदत है शायद। चलो जल्दी करो। बेबी तुम्हें इतनी देर की हो गई? तूने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। हम फिर से साथ में हैं। बेबी तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। क्या तुम ड्राइव करना चाहोगे? और मालूम है मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड से 150 का मोल भाव किया ताकि मैं तुम्हारे लिए फास्ट कार खरीद सकूं। हम उस पर कभी राजी नहीं थे। हाँ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो चाबी वापस करो मुझे। तू बहुत स्मार्ट है। ये सच में काम कर रहा है। बहुत अमीर हो जाऊंगा मैं। हेलो। हाँ, हमारी मीटिंग के बारे में। मुझे वो रीस्केड्यूल करनी है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं बाद में बात करता हूँ। वाह, अब जब पैसे की बात है तो बाकी मीटिंग तो कैंसिल करोगे ही है ना? ओह, तो तुम हो। थैंक गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा पानी दोगे मुझे? ये क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद नहीं है? लेकिन तुम्हें हमारी डील तो याद है ना? हाँ, तुम्हारे 5 साल तुम्हें मिल जाएंगे। वेल, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अपनी फाइल तुम्हारे पास ले आऊं। तो अब सिर्फ तुम्हें यहां पर साइन करना है। मैं तुमसे इंप्रेस्ड हुआ। तुम्हें कैसे पता ये सीरम लेते कैसे हैं? मेरा वार्डन होने का क्या फायदा अगर मेरे जेल में क्या हो रहा है मुझे यही ना पता हो। ये तुमने कहां से लिया? ये मेरा है। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, कुछ ऐसा जिसे तुम्हारे सेल्स रीजनरेट ना कर पाए, कुछ ऐसा जो मैंने काफी समय से नहीं किया है। शर्ट में मैंने वार्ड मिस किया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है 20 साल पहले मुझे यहाँ क्यों भेजा गया था? ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी डील हुई थी। मुझे आज भी याद है तुम इतने साल मेरे साथ कैसे सुलूक करते थे। मैं तुम्हारे लिए काम करता था। आज तू जानेगा लोग मुझे ऐश क्यों बुलाते हैं। और हाँ, मैं भूल गया, ये तुम्हारा है। सर्च ऑन। तुम्हें शायद और सीरम लेना चाहिए। नहीं, हम बस पहुंच ही गए हैं। मुझे नहीं लगता है मैं इससे आगे जा पाऊंगा। वॉकर, एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वॉकर, मुझे पता है तुम यही हो। तुम जाओ यहां से, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ, मुझे यही मरना है, पर तुम्हें नहीं। मेरी बात मान लो, एक और सीरम ले लो। नहीं, प्लीज। मैं एक जंकी की तरह नहीं मरना चाहता।
याद है ना, तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ। वॉकर रुक जाओ, बहुत मनमानी कर ली। ले, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ वो करो जो 24 घंटे पहले करने वाले थे। कोई गलत कदम मत उठाना। मैंने कहा वही रुक जाओ। वॉकर मुझे मजबूर मत करो। वॉकर रुको, मैं उससे बात करूंगा। हेलेन, मैं कभी ये नहीं चाहता था कि वो ऐसा कुछ करे। बेमांट? हाँ, उसके पास टेंशन लेने को और भी कई चीजें हैं। थैंक यू। अब जाओ। तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? आखिर यहाँ हुआ क्या था? कसम से मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और तुम यहाँ हो क्योंकि तुम मदद करना चाहते थे? बिल्कुल सर, मैंने आग देखी और मैंने अंदर आकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बुझा पाया। हाँ, लेकिन आग बुझाने का सामान तो यहीं पर है। ओ नो, मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। पर मेरा जो असली सवाल है वो ये है कि फायर स्प्रिंकल काम क्यों नहीं कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ हो रही होगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ स्टेट बजट में जो अगली कटौती होगी वो है हमारा खाना, और उसके बाद लॉसूट, और फिर क्या, एक के बाद एक चीज की कटौती, बहुत सारी। मेरी और वार्डन के बीच में एक डील हुई थी कि मेरी सजा जो है वो 5 साल कम हो, क्या वो अभी भी जारी रहेगी? ये सब नए वार्डन पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे काम की तारीफ करते हैं या नहीं। जो तुमने जान बचाने की कोशिश की थी पुराने वार्डन की, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगला वार्डन तुम्हारी इस मेहनत को जरूर समझने की कोशिश करेगा। तब मैं अगले वार्डन को कैसे सपोर्ट करूंगा? अमनेशिया आयश, अमनेशिया। यहां कुछ नहीं हुआ। बदनसीबी से किसी को पता भी नहीं लगा कि रिपर यहां से कैसे भागा। कौन? अच्छा जवाब आयश, बहुत अच्छा जवाब। खड़े हो जाओ, चुप रहो, हाथ ऊपर करो। थारोना चाहता था। चुप चाप खड़े रहो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर पता चलेगा तुझे। शट अप। चल चल। तुम्हें समझना होगा कि भरोसा तोड़ा गया है। बोमांट ने हमसे वादा किया था। बोमांट अब हमारे बीच नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो अपने मेकर से मिलने गया है, ये उसका समय है। हम बहुत ही दबाव में है, समझो प्लीज। मैं समझता हूँ, लेकिन ये सुविधा सिर्फ किताबों में है। वेवर्स कैदियों से साइन होना चाहिए, और ये काम आसान नहीं है, खास करके जब टेस्ट के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत हो। हम सिर्फ उन्हें चुन नहीं सकते, पुराने तरीके अब नहीं रहे।
तुम सोच भी नहीं सकते हम यहाँ कितने पैसों की बात कर रहे हैं। सच, इतना तो पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। क्या हम नए वार्डन से बात कर सकते हैं? वैसे तुम लोग नए वार्डन से ही बात कर रहे हो। नव निर्वाचित, हमारा बेवमोंट के साथ अग्रीमेंट हुआ था। हाँ, लेकिन मुझे ये बाद में पता चला था। इस स्टेट में सिर्फ यही एक जेल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इकलौती जेल जिसने ये सब बनाया है। उस दुनिया को इमेजिन करो जहां ये सब बेतहाशा बनाई जा सके। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई नुकसान नहीं है, जो इस्तेमाल में बहुत आसान है। ऐसा प्रोडक्ट जो पहले से टेस्टेड है और प्रूवन है। हमारे पास इसका फॉर्मूला है और हम इसे ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने वाले को देंगे, लेकिन हम तुम्हें सुनहरा मौका दे रहे हैं इसे पहले ही खरीदने का। दुनिया का हर मशहूर और दौलतमंद आदमी तुम्हारा दोस्त बनना चाहेगा। तुम्हारी कंपनी 100 साल तक फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में नंबर 1 रहेगी। विश्व इतिहास के सबसे अमीर आदमी बनने की क्या कीमत दे सकते हो?